सरकार के मंत्री लगातार अपने क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल लखनऊ के नगराम क्षेत्र में जनता से बातचीत करने पहुंचे। इस दौरान जगह जगह पर अपना दल के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान इंडिया न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी हैं, जो कि लखनऊ दौरे पर निकले हैं और जगह जगह इनका जो कार्यकर्ता है वो भव्य स्वागत कर रहे हैं। सर, किस तरह से उम्मीद जताई थी आपने इस बार, अगर हम विधानसभा चुनाव को लेकर की बात करें, क्या उम्मीद जताई थी और क्या कितना जनता की उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे? बागे देखिए, अपना दल ने 1995 में गठन के बाद, जब हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी के हाथ में कमान आई 2009 से, तो उत्तरोत्तर प्रगति किया है। 2012 में एक सीट हम लोग जीते थे, 2014 में दो लोकसभा लड़े, दोनों जीते, 2017 में 11 विधानसभा लड़े, 9 जीते, 2019 में दो लोकसभा फिर लड़े, दोनों जीते, और अब की बार हम लोग 17 सीटें लड़े और 17 में से 12 जीते। तो हमारा जो जीत का प्रतिशत रहा है हमेशा 75% से ऊपर रहा है और जनता का ये विश्वास है। आप देख रहे हैं मेरे कार्यकर्ताओं का 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है। इसके बाद कुछ लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती चल रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद, और कुछ और आप देख रहे हैं बाकी इतनी गर्मी में सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये स्नेह है और ये स्नेह हमें जिस प्रकार मिल रहा है, ये लगातार हमारी पार्टी को ताकत देता है और मैं उम्मीद करता हूँ उनके हितों की लड़ाई हम लोग लड़ने में सफल रहेंगे। सर, अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप रहे हैं नगराम क्षेत्र, यहाँ पर प्राविधिक शिक्षा को लेकर के कोई भी अभी तक कॉलेज नहीं है, तो इस क्षेत्र में क्या आपके लिए, मतलब आगे क्या करेंगे जनता? देखिए, ये जो क्षेत्र नगराम है लखनऊ से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर मैं एक बार, यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर और बेहतर क्या किया जा सकता है, मैं जब यहाँ से लौटूंगा तो अपने मंत्रालय में एक बार मैं इसको चेक कराऊंगा। पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारा मंत्रालय जो है लगातार प्राविधिक शिक्षा के उन्नयन के लिए काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हम लोग नए नए संस्थानों को खोलने का वो कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री, जो लगातार अपने क्षेत्र के भ्रमण पर निकले हुए, इस वक्त राजधानी लखनऊ में आए हुए हैं और लगातार जनता के संपर्क में है और जनता के जो तमाम जो कार्य क्षेत्र में जो तमाम कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा करने की लोगों से बात भी कर रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय। और ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी ने अपनी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का